अब ये पूरा क्राउड देखेंगे ना, ब्लैक कलर, वहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर दिख गया। एंड स्टैंड आउट होने के लिए ना ये दिख के आती है हीरो जूम। बस इसी का माइलेज टेस्ट करने वाले, चलो फिर चलते एंड लेट्स गो। नाइस, ये वही स्कूटर है जिसपे अभी रणबीर कपूर ऐड कर रहे हैं हेलो माय हीरो। नाइस, थैंक यू, सुपर। आने दो आने दो, ऊपर तक आने दो, बस करूँ, बस बस कल बराबर इतने ही डालेंगे वापस। और बढ़िया साहब, एकदम मस्त। तुम कैसे हो? मेरे को बिल दे देना इसका। चलो कर दिया फुल टैंक, किलोमीटर्स 807। ये करते हैं रीसेट। नाइस, अभी चलते अपन। तो अगर हम ये मोटरसाइकिल की या स्कूटर की बात करें बेसिकली, तो ये एक स्पोर्टियर वर्जन है प्लेजर प्लस का, ऐसे मैं कह सकता हूँ, या तो फिर एक बजट स्कूटर है जो स्पोर्टी दिखती है, ज़्यादा कुछ फीचर्स के मगजमारी नहीं है, सिंपल स्वीट नाइस, ऐसे इजीली कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मीटर में 1.2 किलोमीटर चला लिए हैं और अभी माइलेज 47 का मिल रहा है, मतलब ठीक है ये नंबर, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। सस्पेंशन वगैरह भी इसका सही है, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन थोड़ा और बेटर हो सकता था। सोलो चलाने में पीछे से थोड़ा सा बाउंस बैक इफेक्ट आ रहा है, एकदम ही कंफर्टेबल नहीं है ऐसा मैं कह सकता हूँ इसके लिए। इसकी पिकअप मस्त है, मतलब जो आपको इनिशियल आइसोलेशन चाहिए इंजन से, जो इंजन दिया गया है आपको 110 सीसी का जो प्रोड्यूस करता है 8 bhp पावर और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो एक परफेक्ट नंबर है इसे कैटेगरी ऑफ स्कूटर्स के लिए। और दिखने में तो आपने देख ही लिया कि कैसे दिखती है ये स्कूटर, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी मस्त है। थोड़ा सा राइड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चाहिए था, बट इंजन अच्छा है। एक चीज़ ज़रूर है ये स्कूटर में कि इसका हैंडल बार है ना काफ़ी ज़्यादा क्लोज है राइडर के, मतलब जब राइडर बैठा है तो उसके काफ़ी नज़दीक है ये। एंड कोई छोटे लोग रहेंगे जिनमें मतलब जिनका हाथ लंबे नहीं रहेंगे, तो उनके लिए सही है ये स्कूटर। सीट हाइट और हैंडल बार के हिसाब से आप काफ़ी क्लोज बैठते हो एंड यहाँ पे जगह भी डिसेंट है, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन डिसेंट है। और ये पॉकेट्स है ना बहुत काम के हैं। इसका रियर सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है और थोड़ा सा मतलब स्टॉक में ये हार्ड है, तो स्पोर्टीनेस के लिए वो थोड़ा सा हार्ड रखा गया है, वो डायनामिकली हार्ड रखा गया है, और इसी वजह से वो कम्फर्ट जो चाहिए ना वो नहीं दे पाता। आराम से 80 पहुँच जाती है ये, लेकिन इसका कम्फर्टेबल स्पीड जो है ना वो 60 के आसपास ही है, 60-65। ये जो है इसे बहुत कंफर्टेबली क्रूज करती है। और यहाँ पे आप देखोगे एक दो मिनट में, 10 सेकंड में, कि माइलेज नंबर जो दिख रहा है लाइव माइलेज, जो एवरी 100 मीटर्स या 50 मीटर्स कैलकुलेट हो रहा है, वो एकदम से चेंज होगा। देखो 47 पे आ गया, 51 पे आ गया, तो वही बोल रहा हूँ 60 की स्पीड पे है ना माइलेज बहुत तगड़ा देती है। कल देखेंगे जब हम इसको रिफ्यूल करेंगे कि माइलेज कितना मिल रहा है, तब तक आप गैस कर सकते हो कि कितना मिलेगा। अभी हीरो से मिलने वाली और एक स्कूटर जो है हीरो की माइस्ट्रो एज, ये प्रॉब्लम वही स्कूटर है। आई एम नॉट श्योर कि 125 है या नहीं, बट मुझे 120 लग रही है, जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन मिलता है मेरे जैसे ही। इसका परफॉर्मेंस मेरा परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला, हाँ एज ही है ये 110। मैं टॉप आउट कर रहा हूँ अभी 84 किलोमीटर पर आर पे, 85 तक जा रही है। मैंने फुल थ्रॉटल ओपन नहीं किया था, थोड़ा सा और थ्रॉटल बाकी था, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ये स्कूटर ये स्पीड पे। और जो अपनी रोड पे 80 की स्पीड लिमिट है वहाँ पे हम एक क्लोज कर रहे हैं, तो यस डर नहीं लग रहा है ये स्कूटर पे। बहुत बड़ी बात होती है कि अनस्टेबल या ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि व्हील आउट है या कुछ ऐसा है। हैंडल बार का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है एंड ओवरऑल देखने का ना तो ये स्कूटर लेजिबल है। ये जो है सुजुकी की एवेनिस, इसका भी फ्रंटल डिज़ाइन जो है वो जूम से काफ़ी हद तक मैच करता है, क्योंकि उसका हैंडल बार का कटआउट्स और प्लास्टिक का जो कटआउट्स है वो मतलब मस्त मैच होता है वहाँ पे। डिचुड़ी 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 डिचुड़ी। वैसे सर ग्राउंड क्लियरेंस देखने जाएँ तो 160-170 mm के बीच में कुछ तो है। यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लूँगा वो बड़े गंदे वाले स्पीड ब्रेकर से जाके, बट कहीं भी टच नहीं हुई है अब तक, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है, मतलब ओवरऑल काफ़ी सोच समझ के बनाई गई है स्कूटर ये।
हाँ, हम अभी थोड़ा कोरा मॉल आ गए थे मूवी देखने के लिए और यहाँ पे पार्क कर दी हीरो जूम। अब उन्हीं को देखने आए जिन्होंने इसका ऐड किया है। एक क्लिप देख ले दो। अभी हम आगे वापस जा रहे ऑफिस। हमने चला लिए हैं करीब एग्जैक्टली 43 किलोमीटर्स और है 10-15 किलोमीटर चला लेंगे, 53-55 के आसपास चला लेंगे। अंदर देखेंगे कि कितना माइलेज मिल रहा है। उसी वो जंक्शन के लिए ट्रैफिक था। चलो टोल नाका तो क्लियर ही है। अच्छा है, तो जैसे मैं बता रहा था I3S सिस्टम ब्लिंक कर रहा है। बेसिकली आके मैं रुका और ये खड़ी हो गई, ब्रेक दबा के बस थ्रॉटल दिया तो ये शुरू हो जाती है। अभी I3S सिस्टम से वापस बंद होगी शायद, पर डिपेंड करता है। अभी 18 सेकंड है, 16 सेकंड है, देखते तीन दो तीन सेकंड लगते, तीन से पाँच सेकंड लगते, बस हाँ 6 सेकंड के आसपास हमने वापस शुरू कर दी। बोलते ना पिकअप है, पिकअप है तो सही है स्कूटर में। ऑलमोस्ट सबसे आगे निकल गए ट्रैफिक में। सो हमने ऑलमोस्ट 67 किलोमीटर चला लिए हैं अभी इतने टाइम में। एंड अब चल रहे वही पंप पे जहाँ पे हमने फुल टैंक किया था, वहाँ पे वापस फुल टैंक करेंगे और वही फिगर आउट करेंगे कि माइलेज कितना मिल रहा है। अब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये स्कूटर डायनामिकली बहुत मस्त है, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है लेकिन वही है कि अगर दो लोग बैठेंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी। डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कॉर्नरिंग लाइट्स रात के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आपको एक क्लिप तो मतलब दिखी होगी जहाँ पे मैं रात को मूवी देखने गया था, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अभी मूवी के सीन में वही होता है कि कैमरा वैमरा लेके नहीं जा सकते, इसलिए गोप्रो लेके नहीं गया था, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है स्कूटर के साथ। और क्विक है, ब्रिस्क है ये स्कूटर, वैसे कह सकता हूँ। थोड़ी और टॉप स्पीड होती तो और ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन वही 110cc के कैटेगरी में इसकी स्पीड काफ़ी मस्त है। मेरे को एक टाइम याद आया जब मैं पहले होंडा डियो चलाने का, तो वो टाइम पे इसकी स्पीड का बहुत ज़्यादा मैटर होता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो 100 ऑलमोस्ट क्रॉस कर लेती थी आराम से। यहाँ पे ये 85 तक चले जाती है, 85-87 मैक्सिमम। चलो फुल टैंक कर लेते, देखते कितना मिलता है, क्या मिलता है। फुल करना सामने देख रहे बोलते गड़बड़। एक 1.25 लीटर के आसपास ही जाएगा, ध्यान देना। थोड़ा बाहर से ही करो थोड़ा। हाँ जीरो, हाँ मस्त। और डालो? नहीं, बराबर है। बस 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 1.61। एक रुपया कैसे आया वापस? 170 पे आपने निकाला था। फाइव तो मिल बढ़ जाता है ना, जब आप निकल बोलते ना बंद करते कुछ बढ़ जाता है। आपके इसमें यही जुगाड़ हो रहा है कब? ठीक है, 170 पे इन्होंने निकाला है। चाहिए तो मैं रिकॉर्ड किया है, वो देख लो। हाँ, वो चलेगा। अरे कैसा ये पॉइंट रखते ना सर, वही एमएल मारा ना हमने, वही वही दिक्कत है, वही दिक्कत है ना। मार दे 170 टेंशन मत, ये अगर इसको हम आप जोर से पटकेंगे ना तो पॉइंट कर। वही 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 बोल रहा हूँ मैं। सीधा काट दिया देखो, तो हमने चलाया 67.9 किलोमीटर्स और इसे डिवाइड करेंगे हम 1.6 के साथ और मिला है हमें 42 का माइलेज। सो ये स्कूटर से भगाने पे, मतलब थोड़ा एग्रेसिव चलाने पे, फास्ट चलाने पे एंड थ्रॉटल को थोड़ा हैप्पी रखने में हमें मिला है 42 का माइलेज, जो ये स्कूटर के लिए सही है यार। मतलब अगर 42 ऐसे ही मिल रहा है तो देयर इज अ गुड चांस कि और प्यार से चलाए और सेनली चलाए तो और ज़्यादा मिलेगा। मतलब माइलेज के मामले में ये स्कूटर सेट है। तब तक के लिए कैसी लगी ये स्कूटर का माइलेज टेस्ट प्लस एक राइड एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। एक चीज़ है जो थोड़ी सी बॉदर करे, क्योंकि जो इनिशियल वाइब्रेशंस है उसकी वजह से आवाज़ आ रही है। देखो
ये जो प्लास्टिक का यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो मल्टीपल पैनल्स यूज़ किए गए इसकी वजह से आ रहा है। चलो चलता हूँ, बाय।